अखाड़ा में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। संसद की सुरक्षा मामला और सांसदों के निलंबन मामले पर आज भी संसद में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने आज एक बार फिर विपक्ष के 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया है। डिंपल यादव, सुदीप बंदोपाध्याय, मनीष तिवारी, सुप्रिया सुड़े, दानिश अली, कार्ती चिदम्बरम, फारूक अब्दुल्ला और प्रतिभा सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंशन लिस्ट में शामिल है कुल मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के कुल करीब 141 सांसद अब सस्पेंड हो चुके हैं। देश के लोकतंत्र की, लोकतंत्र का भविष्य क्या है, ये बहुत शोचनीय विषय है। जिस तरह का बुलडोजर सदन के बाहर तो चलाया जा रहा है, सदन के भीतर भी, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, जिस तरह की परंपरा भाजपा सरकार लेकर आ रही है और 92 सांसद राज्यसभा और लोकसभा से निष्कासित कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए हैं, ये मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं संसद भवन से, यतेंद्र शर्मा भी संसद से जुड़ रहे हैं और अमिताभ सिन्हा से न्यूज रूम से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अरुण सिंह के पास सबसे पहले चलते हैं। अरुण, एक बात बताइए, ये तो अब कभी कभी नहीं हुआ, अप्रत्याशित है ये? कभी भी ऐसा हुआ है क्या संसद के इतिहास में कि 141 एमपी लोकसभा राज्यसभा के मिलाकर सस्पेंड किए गए? देखिए आनंद, बीच बीच में आवाज़ चली जा रही थी, आपकी सवाल पूरा मुझे नहीं सुनाई दिया, लेकिन जो आप कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि संसद विपक्ष विहीन हो गई है और स्पीकर को और राज्यसभा के सभापति को इन सांसदों को निलंबित करना पड़ रहा है, उसके पीछे की वजह ये है, सीधी सी बात है, ये सारे विपक्ष के सांसद कह रहे हैं कि आंतरिक सुरक्षा का मामला कैसे बाहर षड्यंत्र बना और कैसे ये लोग अंदर जा करके और स्मोक गैस वहाँ पर छोड़ देते हैं, तो ये अमित शाह का मामला है और अमित शाह को जवाब देना चाहिए गृहमंत्री को। सरकार की तरफ से और लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो संसद का प्रेमाइस होता है वो पूरी तरह से एक तरह से संप्रभु स्पीकर के हाथ में होते हैं, उसके सारे अधिकार। वहां अगर कुछ पुलिस को भी कार्रवाई करनी है तो बिना स्पीकर की अनुमति के नहीं हो सकता। किसी सांसद को अरेस्ट करना है किसी भी मामले में, चाहे वो हत्या का ही मामला क्यों ना हो, आपको स्पीकर से अनुमति लेनी पड़ेगी। वो एक तरह से आईलैंड होता है जिसके मालिक होते हैं स्पीकर। तो वो कह रहे हैं कि मैंने जांच शुरू करा दी, मैं पूरे मामले पर बयान दे चुका, आप इंतजार करिए, आप अमित शाह के बयान पर क्यों अड़े हुए हैं। बात इतनी सी है कि अमित शाह संसद में बयान दें, ये विपक्ष कह रहा है और सत्ता पक्ष कह रहा है, इसमें गृह मंत्रालय का कोई लेना देना नहीं, स्पीकर साहब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और वो देख रहे हैं इस मामले को। और इसीलिए उस मांग को लेकर के जो नारेबाजी अंदर हो रही है या फिर पोस्टर दिखाए जा रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई की है स्पीकर ने और राज्यसभा के सभापति ने। लगभग 141 सांसदों के निलंबन की बात आपने भी कही, आंकड़ा यही है। ऐसा लगता है कि संसद विपक्ष विहीन हो जाएगी और पचानवे सांसद अब तक लोकसभा से, यतेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और करीब 46 एमपी हैं, सांसद हैं राज्यसभा से। इस तरह से ये एक तो 141 सांसदों का आंकड़ा बन जाता है, जो अपने आप में शायद एक रिकॉर्ड है कि दुनिया के किसी भी संसद में ऐसा नहीं हुआ होगा कि 141 एमपी एक साथ ऐसे सस्पेंड हुए हो 4-5 दिनों में। लेकिन इसका आधार ये भी है कि किस तरह से सांसदों ने वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए बाहर जो तस्वीरें आई। अरुण, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं यतेंद्र से भी बात कर रहा हूं। यतेंद्र, ये अनएक्सपेक्टेड है या फिर सरकार ने भी अब ठान लिया है कि विपक्ष अगर उद्दंड होता है तो डंडा पड़ेगा? देखिए, यहाँ सरकार की बात नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वो सब कुछ सदन के अंदर हो रहा है और स्पीकर को फैसला लेना होता है, और स्पीकर चाहे लोकसभा के स्पीकर हो या राज्यसभा के चेयरमैन, वो दोनों यहाँ पर फैसला ले रहे हैं। विपक्ष ने बिल्कुल एक तरह से टकराव की जो तस्वीर है वो सामने विपक्ष की दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष भी अपने रवैये से टस से मस होने को तैयार नहीं है। क्योंकि हालांकि सभी को पता है कि जब सदन का मामला होता है, सिक्योरिटी का मामला होता है, तो वो स्पीकर का विशेषाधिकार होता है, वहाँ होम मिनिस्ट्री काम नहीं करती, यानी कि उनका वो दायरा नहीं है। क्योंकि जब भी कोई भी घटना होती है तो स्पीकर से ही परमिशन लेकर दिल्ली पुलिस या कोई भी एजेंसी उसमें अंदर एंट्री कर सकती है। लेकिन और बार-बार कल भी जब सदन शुरू हुआ तो लोकसभा स्पीकर ने पिछले इतिहास की कई घटनाओं को बताते हुए कहा कि ये सदन की जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी में जो गंभीर चूक हुई है उसको मानते हैं और उसको सही करेंगे, लेकिन सदन के सदस्यों के सहमति से, उनके सुझावों के आधार पर करेंगे। लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है, वो चाहता है कि
गृह मंत्री आए 5 मिनट का चाहे अपना जवाब दें, लेकिन जवाब उनको ही देना पड़ेगा। यानी कि साफ है स्पीकर की जो जितेंद्र आप मेरे साथ बने रहे हैं, कुछ रिएक्शन आए हैं, अधीर रंजन चौधरी ने बोला है और मनीष तिवारी, दोनों क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। Been suspended. Parliament has been totally delegitimized. This is to lay parliament, which will turn this country into a police state. In a single word, I can say that it is nothing but an being played inside the parliament. Anarchy being played inside the parliament. अरुण सिंह और यतेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यतेंद्र के पास वापस चलते हैं। अब दोनों विपक्ष के नेता हैं, मनीष तिवारी का कहना है कि ये पुलिस स्टेट के क्रिएशन का आधारशिला रखी गई है, ये एक बात मनीष तिवारी कह रहे हैं। वहीं अधीर रंजन कह रहे हैं कि देखिए ये पूरी तरह से तानाशाही चल रही है, लेकिन सांसदों का व्यवहार जिस तरह से बाहर था सदन के जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कल्याण बैनर्जी जैसे तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो चेयर की नकल करते हुए दिखे गए, राहुल गांधी वहां फोटो वीडियो बना रहे हैं ये, और फिर सदन के अंदर भी जो मर्यादा तय हुई थी सदन की होगी उसको भंग किया विपक्ष के सांसदों ने। यही बात स्पीकर ने भी बार बार कही, चेयर ने भी कही, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो। यतेंद्र, तो क्या विपक्ष ये कह सकता है कि ये सरकार की तानाशाही है? देखिए बिल्कुल, विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि सरकार की तानाशाही है। अभी कुछ देर पहले ही फारूक अब्दुल्ला से हमारी बात हुई, जो अभी हंगामे के बाद जो उनको भी स्पीकर ने सस्पेंड किया गया, तो उन्होंने कहा है कि ये वो भी शहीदों में शामिल हुए हैं और जिस तरह की सरकार की तानाशाही है वो नहीं चलने देंगे। और विपक्ष लगातार पलटवार करता रहेगा, लगातार इस बात को उठाता रहेगा, क्योंकि उनकी डिमांड यही है कि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और होम मिनिस्ट्री के मुखिया अभी गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो उनको जवाब देना होगा। वो 5 मिनट में आकर जवाब दें, सारा मामला शांत हो जाएगा। और जब हमने पूछा कि क्या कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा, तो उन्होंने कहा कि जब तक एक भी सांसद लोकसभा में या राज्यसभा में है तब तक उनका प्रोटेस्ट चलेगा। यानी कि विपक्ष का रवैया साफ है, वो अपने रवैये पर अड़े हुए हैं और टकराव की जो स्थिति है वो विपक्ष उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो एक मैसेज, क्योंकि चुनाव आ गया, ये चुनाव का भी दौर है, क्योंकि उल्टी गिनती लोकसभा चुनाव की हो गई है, तो ऐसे में विपक्ष भी मैसेज देना चाहता है कि वो जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं या जो सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो उन पर सरकार से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार की तरफ से भी साफ मैसेज है कि जो पोल खोल अभियान चलेगा अब चुनाव में, वो लोकसभा चुनाव में, कि किस तरह से विपक्ष अपने हठधर्मी रवैये के कारण जनहित मुद्दों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है और वो चाहता ही नहीं है कि वो आगे बढ़े, क्योंकि बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तो ये आखिरी सत्र है जहां बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जा सकता है, इसके बाद नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि कुछ अहम बिल है जिनको पारित करना और जिन पर डिबेट करना आवश्यक है। सरकार ने यह कहा है, ऐसा नहीं कहा है कि सरकार जवाबदार नहीं है, उन्होंने यह कहा है कि चेयर जवाब देंगे, क्योंकि सेक्रेटेरिएट की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अरुण सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं, लोकसभा संसद और संसद के अंदर लोकसभा हो राज्यसभा हो, ये संसदीय सेक्रेटेरिएट के अधीन है और उसकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट बॉस जो है वो लोकसभा के स्पीकर हैं या राज्यसभा के चेयर होते हैं। तो इसमें चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या पार्लियामेंट सिक्योरिटी ग्रुप हो, सबको रिपोर्ट वहां देनी पड़ेगी, होम मिनिस्टर कैसे बोलेंगे। लेकिन विपक्ष का एक प्रश्न है अरुण, कि अगर ये नेता जो एमपी है वो विपक्ष का होता जिसने पास दी है, और अगर ये जो जितने भी उद्दंडी है ये किसी पार्टी से जुड़े होते तो क्या होम मिनिस्टर नहीं बोलते? यही प्रश्न वो बार बार पूछ रहे हैं। देखिए, विपक्ष जो करना चाह रहा है, जो मैसेज देना चाह रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कहती है कि आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर बहुत ही बड़ी सफलता मिली है इस सरकार को और देश में सब कुछ ठीक है, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है। वो उसको हाईलाइट करना चाहते हैं चुनाव से पहले कि भाई संसद के अंदर लोग स्मोक लेकर के, गैस लेकर के और छोटा सा वो लेकर के चले जाते हैं सेल और आप उनको पकड़ नहीं पाते, तो वो सीधे सीधे कानून व्यवस्था खराब है ये संदेश देना चाहते हैं और इसीलिए गृहमंत्री के सफाई की मांग कर रहे हैं। सरकार ये कह रही है, जैसा कि आप भी कह रहे थे, सभापति जो होते हैं राज्यसभा के उनसे भी ज़्यादा अधिकार, संसद के अंदर अगर बात करें संसद के प्रेमाइसेज में, राज्यसभा में तो सुप्रीम है सभापति, लेकिन अगर पूरे संसद परिसर की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष सबसे बड़े अथॉरिटी हैं, वहाँ के सारे फैसले उनके ही अंतर्गत लिए जाते हैं। तो अगर उन्होंने इस पर जांच का ऑर्डर कर दिया है, संसद के अंदर बयान भी दे दिया अपनी तरफ से, चेयर की तरफ से, तो अब कोई जरूरत नहीं है कि गृहमंत्री इस बात पर जवाब दे, सफाई दे, ये जांच हो रही है और उसका नतीजा सामने आ जाएगा। तो कुल मिला के मामला सिर्फ इतना है कि पॉलिटिकल पोजीशनिंग है, विपक्ष ये कह रहा है, घेरना चाहता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है,
सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला नहीं है, तो लोकसभा के अंदर दो लोग गए, उस पर जांच हम कर रहे हैं, आपको बता देंगे किन परिस्थितियों में हुआ। पॉलिटिकल पार्टियों की जहां तक बात है, जरूर है विपक्ष ये पूछ रहा है और कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर उनका जुड़ाव विपक्ष की तरफ से होता तो क्या होता, तब तो इस मामले को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता, तूल दिया जाता, और हो सकता है कि बड़े बड़े नेता इस पर बयान देते, और जो राहुल गांधी के बयान देने के बाद, बेरोजगारी से जोड़ने के बाद किया भी, बीजेपी ने उसको मुद्दा भी बनाया। लेकिन फिलहाल ये है, ऐसा लग रहा है आनंद कि विपक्ष के बिना ही ये जो बिल है वो पास होंगे और संसद चलेगी। संसद तो अगर चलेगी, लेकिन जो बिल पारित होंगे उस बिल पर बहस कौन करेगा? यतेंद्र, विपक्ष की ये भूमिका भी है कि जो जनहित में काम है, ये संसद जो चल रहा है, ये टैक्स पेयर जो हम और आप टैक्स भर रहे हैं उसके खर्चे में चल रहा है, और हर सांसद की ये जिम्मेदारी है कि जनता की बात वहां रखे। अब भारतीय न्याय संहिता हो या दूसरे कई सारे इंपॉर्टेंट बिल्स हो जो अब जो संसद में रखे गए हैं, उन पर विमर्श नहीं होगा, और बिना विमर्श किए गए अगर उनको पारित किया गया तो ऐसे बिल पास हो सकते हैं जिन पर संशोधन होने चाहिए, जिन पर बहस होनी चाहिए। क्या विपक्ष ये बात नहीं कर सकता था कि संसद के समाप्त होने के आखिरी सदन के दिन आप हमसे वादा, हमें वादा दीजिए कि आप हमें इंटरोगेशन रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेशन की अपडेट देंगे और होम मिनिस्टर यहां पर एक बात कहेंगे, एड्रेस करेंगे सदन को, इस बात पर भी सहमति बन सकती थी। विपक्ष क्या हट ही नहीं हो रहा है? विपक्ष का हट क्या देश का नुकसान कर रहा है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से विपक्ष का रवैया है वो साफ तौर पर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, और जो रवैया है वो जनता भी देख रही है कि क्या जो सच में देश हित में जो काम सदन के अंदर होने चाहिए, जो महत्वपूर्ण बिल है, खासकर अभी जो बिल आने हैं सीआरपीसी और आईपीसी में जो संशोधन को लेकर बात हो रही है, और जो सरकार की तरफ से भी बार बार मैसेज दिया गया, गृह मंत्री की तरफ से दिया गया कि पहले का जो एक कानून था वो अंग्रेजों के हिसाब से कानून बनाए गए थे, वो जनता को न्याय मिले उस हिसाब से नहीं था, लेकिन अब जनता को न्याय मिलेगा क्योंकि सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, और इसी वजह से इन बिलों को पहले भी लाया गया लेकिन काफी संशोधन हुए, कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया, जिसके बाद इसे फिर से पेश करने की बात आई, और आज ये पिछले दो तीन दिन से लगातार पेश करने की बात हो रही है, लिस्टेड हो रहा है, लेकिन विपक्ष के रवैये के कारण वो पेश नहीं हो पा रहा, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। तो ऐसे में नुकसान जनता समझ सकती है कि जो उनके हितों के लिए बिल है अगर वो विपक्ष के रवैये के कारण नहीं आ रहे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इस पूरे मामले को, जो अरुण कह भी रहे थे कि पूरे इस मामले को सुरक्षा से संबंध जोड़कर वो सरकार पर प्रेशर बनाना चाहता है, तो वो एक लोकसभा चुनाव की जो उल्टी गिनती शुरू हुई है वो उसमें अपने फायदे देख रहा है। तो ऐसे में पूरी जो टकराव की स्थिति है इसमें नुकसान जनता का ही होगा, क्योंकि अगर बिल पेश नहीं होंगे और जो उनको न्याय को दिलाने के लिए जो जिस तरह से बिल लाए जा रहे हैं अगर उन पर चर्चा सही तरीके से नहीं होगी तो हो सकता है कई सारे प्रावधान ऐसे हो जाए जो चर्चा से। एक और बहुत बड़ा आरोप विपक्ष पे यतेंद्र ये लगा है कि विपक्ष ने वादा खिलाफी की है। उन्होंने इस नए संसद भवन, संसद भवन में आते वक्त एक वादा किया था कि इस तरह की प्लाकार्ड और वेल के अंदर दौड़कर इस तरीके का व्यवहार नहीं किया जाएगा नए संविधान भवन में। ये सर्वसम्मति से ये फैसले लिए गए थे। उन वादों पर कौन मुकर गया है, ये प्रश्न स्वयं स्पीकर ने पूछा है कि हम, आपने ये वादा दिया था, अब इस वादे के खिलाफ आप जा रहे हैं। अखिलेश यादव का रिएक्शन आ रहा है, आइए सुनाते हैं। बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि बीजेपी लोकतंत्र का मंदिर बोलती है, हम सब जितने भी सांसद इस सदन में रहे हैं समय समय पे अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहा है, अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे। ये शुरुआत है अपनी मन मानी चीजें करने की। आइए अब आपको सुनाते हैं कि डिंपल यादव और हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने क्या कहा। लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपी को सस्पेंड किया, इट इज अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, क्या सोच के ये नया संसद बनाया, जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है। जो पार्टी खुद कहती थी, जेटली जी, सुषमा जी खुद कहते थे कि डिसरप्शन इज अ पार्ट ऑफ डिसेंट, अब जब कुछ चीज़ की चर्चा करना चाहते हैं और सुनवाई नहीं कर रही है सत्ता पक्ष, तो फिर शोर मचाने के अलावा हल क्या है। अब आपने सारे विपक्ष को निकाल के बाहर फेंक दिया।
तो संसद में जहां एक तरफ आज हंगामा जारी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर नारेबाजी भी की और गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे। इसके बाद संसद के प्रवेश द्वार पर बैठकर वो चर्चा कर रहे थे। इसी समय टीएमसी के एक सांसद कल्याण बैनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर मिमिक्री की।